वैसे तो आपने काफी रहस्य, किलों और कुओं के बारे में सुना ही होगा। इन रहस्यमय कहानियों के बीच आज हम आपको ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल सच है। जी हां, आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना में एक रहस्यमयी अगम कुआ स्थित है। सम्राट अशोक के काल के इस कुएं का धार्मिक और पुरातात्विक दोनों तरह से महत्व बताया गया है, तथा इससे जुड़ी कुछ मान्यताएं और रहस्य जो कि इसे और भी विशिष्ट बनाते हैं, जैसे कि आखिर क्यों नहीं सूखा आज तक इसका पानी, क्या इसमें दवा था सम्राट अशोक का खजाना, या फिर क्यों सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाशें इस कुएं में डलवाई थी। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल में की गई थी। इस कुएं की खासियत यह है कि भले ही कितना भयंकर सूखा क्यों ना पड़ जाए, यह कुआं सूखता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ क्यों ना आ जाए, इस कुएं के जल स्तर में कोई खास वृद्धि नहीं होती है। इस ऐतिहासिक कुएं का जल स्तर गर्मियों में अपने सामान्य जल स्तर से सिर्फ 2 फीट नीचे जाता है। वहीं बारिश के दिनों में भी जल स्तर सामान्य से केवल 2 फीट ऊपर तक आता है। इस कुएं की एक और खासियत यह है कि इसके पानी का रंग बदलता रहता है। इस कुएं की गहराई नापने के अब तक अनेक प्रयास हुए हैं, जिनसे पुरातत्व विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कुएं की गहराई लगभग 105 फीट है। चूंकि 105 फीट की गहराई उस जमाने में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस जमाने में मात्र 20 फीट की खुदाई पर ही पानी निकल आता था, इसलिए इस कुएं का नाम अगम कुआ पड़ा। अगम का मतलब होता है पाताल से जुड़ा हुआ। आपको बता दें, इस कुएं के बारे में एक अन्य मान्यता यह है कि यह इसलिए भी नहीं सूखता है क्योंकि यह कुआ गंगा सागर से जुड़ा है। इसके पीछे का तर्क यह है कि एक बार अंग्रेज की छड़ी पश्चिम बंगाल स्थित गंगा सागर में गिर गई थी, जो कि बहते बहते पाटलिपुत्र स्थित कुएं के ऊपर आकर तैर रही थी। आज भी वह छड़ी कोलकाता के एक म्यूजियम में रखी हुई है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।